नमस्कार, हॉकफीड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को 2019 में मात देने के लिए सपा यानी कि समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में बसपा का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि सपा यूपी में बसपा की जूनियर पार्टनर बनने को भी तैयार है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती का दबाव काम आने लगा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को मैनपुरी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो इस गठबंधन के लिए त्याग को तैयार हैं और अगर उन्हें गठबंधन करने के लिए 2-4 सीटें कम पर भी समझौता करना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। मतलब के चोर चोर मौसेरे भाइयों, दोस्तों फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देशभक्ति से जुड़ी हर खबर आप तक मिलती रहे और आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े रहें। कुछ भी करना है पर गद्दारों को इस बार लोकसभा सीट पर नहीं आने देना है। दोस्तों, इसके लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस जंग को हमारे साथ मिलकर लड़ें और नीचे जो बेल आइकन का यानी कि घंटी का निशान है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आगे आपको बता दें कि मायावती ने कैराना लोकसभा चुनाव के पहले साफ कर दिया था कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मायावती के इस बयान को राजनीतिक तौर पर एक बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा था जिसमें उन्हें बड़ा पार्टनर बनने की एक जिद निहित थी। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने एक बार फिर गठबंधन के लिए मायावती के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। यानी देखिए, होता क्या है कि दोस्तों, जब एक चोर चुनाव जीतना चाहता है तो दूसरे चोर का साथ दे रहा है। सीधे सीधे बातें आपके सामने आ रही हैं। आगे आपको बताता हूँ कि गौरतलब है कि यूपी में कुल 80 संसदीय सीटें हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव के लगभग जूनियर पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाने के बाद कितनी सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच समझौता होता है। तो कुछ भी करना है पर मोदी को हटाना है, उसके लिए चाहे ये पार्टी अपने जिसे कहते हैं कि अपने आदर्श, अगर कुछ भी आदर्श माने समाजवादी पार्टी, जिसे भी अपना आदर्श बताती है, हालांकि अपने भी किसी आदर्श पर समाजवादी पार्टी नहीं चलती है, परंतु जिन तथाकथित आदर्शों की ये बात करते हैं कि ये पार्टी राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में उनसे इंस्पायर होकर उनसे प्रेरित होकर शुरू हुई, आज ये उनमें से कौन से आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं? आज ये तो बसपा को समर्थन कर रहे हैं। बसपा वो पार्टी है जिसमें मायावती के स्वयं भाई के ऊपर 1000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी पाई गई है। कहाँ से आई वो प्रॉपर्टी? तो दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी गठबंधन ने 80 में से इन 73 संसदीय सीटों पर भारी भरकम जीत हासिल करी थी। सपा को केवल 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, जबकि बसपा का तो खाता भी नहीं खुला था। तो जिस पार्टी का भैया पिछले लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला, इस पार्टी के साथ इस बार समझौता भी कर लोगे, आप 4-5 सीटें अपनी छोड़ भी दोगे, तो आपकी तो 4-5 सीटें जो मिली थी वो भी गई और बसपा को तो वैसे भी कोई सीट नहीं मिलने वाली। जैसे पिछली बार 1 सीट नहीं मिली, इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद 1 सीट मिलेगी, 1 से ज़्यादा बसपा को एक दूसरी सीट तक नहीं मिलेगी। इसी तरह से पिछले साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में भी सपा ने बसपा से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि इन चुनावों में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। एक बात बताइए, जब सपा को बसपा से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं तो सपा बसपा के आगे घुटने क्यों टेक रही है? सिर्फ इसलिए कि मोदी को हराना है? वाह रे राजनीति। फूलपुर गोरखपुर उपचुनाव में सपा को बसपा ने समर्थन किया था, इसका नतीजा था कि बीजेपी को हार मिली। लेकिन दोस्तों, इसके बाद से दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव आज बसपा का साथ किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये तो रही बात इनके गठबंधन की। अब सीधी बात यह है कि सपा बसपा, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सभी देश की गद्दार पार्टियाँ सारी साथ में आएंगी। अब भाजपा को देखना यह है कि वो किस प्रकार अपना बहुमत हासिल करेंगी, और बहुमत तभी हासिल करेंगी जब आप और मेरे जैसे लोग इस देश में भाजपा का समर्थन करेंगे। और भाजपा का समर्थन केवल इसलिए नहीं कि वो एक ऐसी एक पार्टी है जिसे हम पसंद करते हैं, इसलिए नहीं। भाजपा का समर्थन आज देश की ज़रूरत है, आज देश में देशभक्ति का माहौल बना के रखना है तो भाजपा को समर्थन करना होगा। दोस्तों, आप फटाफट लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जो नीचे है उसे दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में जरूर लिखें कि क्या इस चुनाव में 2019 में जो लोकसभा चुनाव होंगे क्या उसमें सपा और बसपा का गठबंधन पास होगा या फेल। आप लिखें, अगर पास है तो पास लिखिए, अगर फेल है तो फेल लिखिए। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।